हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू निशा यूनिक वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी यूट्यूबर साथ ही ब्लॉगर मनीषा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ब्लॉग्स भी लिखती हूँ और मेरी ब्लॉग वेबसाइट का एड्रेस है www.healthymonkeybaat.com। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने क्रिएट किया है अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में कि मैं अपनी स्किन की जो केयर है वो कैसे करती हूँ। जब आप स्किन केयर की बात करते हैं तो स्किन केयर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल स्किन केयर और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्किन केयर। इंटरनल स्किन केयर क्या होता है कि जैसे हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या हमारा रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, तो इसका इंटरनल रूप से हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। एक्सटर्नल होता है कि हम अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर रहे हैं, मतलब उसे उसके ऊपर क्या, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कौन से नुस्खे अप्लाई कर रहे हैं अपने चेहरे पर, स्किन पर, तो वो बाहरी तरीके से हमारी स्किन को प्रभावित करते हैं। तो इंटरनल स्किन केयर की बात कर लेते हैं पहले। अगर हम चाहते हैं कि अपनी स्किन को अंदरूनी तरीके से हम स्वस्थ रखें तो इसके लिए हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें एवरी डे जो हमें पीना चाहिए। और दूसरा कहूँगी कि ऑयली फूड, जंक फूड, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। जिनकी त्वचा ऑयली होती है उन्हें तो जो ऑयली खाना है वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि ऑयली फूड खाने से ही हमारी स्किन पर पिंपल्स, मुहासे, इन सब की प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आती है। और तीसरा है कि बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, और फ्रूट्स को मतलब जूस के रूप में कन्वर्ट करके नहीं लीजिए, फ्रूट्स को और सैलेड को एज ही खाइए, तो कट करके, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी स्किन के लिए। और मीठी चीज़ों से परहेज कीजिए, क्योंकि जो चीनी या शुगर है वो भी हमारे चेहरे पर पिंपल्स और मुहासे, इन सबको लाती है। तो अच्छा रहेगा कि जितना हम मीठी चीज़ों से भी दूर रहें उतना हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। और अच्छी नींद लेना भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर लीजिए, और इसका असर भी पॉजिटिव हमारी स्किन पर पड़ता है। स्ट्रेस का असर भी हमारी स्किन पर दिखाई देता है, तो सभी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, कोई छोटा है बड़ा है, स्ट्रेस रहता ही है। तो स्ट्रेस आउट करने के बहुत से तरीके हैं कि हम कैसे खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, तो कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। जैसे म्यूज़िक सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, खुद को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से बात कीजिए कुछ समय के लिए, वो भी अच्छा लगता है, खुद को रिलैक्स महसूस कीजिए जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। गार्डनिंग कर सकते हैं, कई लोगों को बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लगता है ना, टेंशन फ्री हो जाता है माइंड। तो मतलब जो तरीका आपको अच्छा लगे रिलैक्स कीजिए खुद को। तो मेरा जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और सिंगिंग का भी शौक़ है, तो सिंगिंग करती हूँ तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। तो इन सब का जो है वो इंटरनल रूप से हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है और हमारी स्किन पर भी इसका पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो ये थी इंटरनल स्किन केयर। एक्सटर्नल स्किन केयर की बात करें कि इसमें हम कि क्या प्रोडक्ट या किस तरह से हम देखभाल करते हैं अपनी त्वचा की बाहरी रूप से, तो मैं अपनी बात करूं तो यही कहूंगी कि मैं बिना रात को अपना फेस धोए बगैर नहीं सोती हूं, वॉश जरूर करती हूं अपने चेहरे को। तो इसके लिए किसी जेंटल सोप को यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं डव या जॉनसन बेबी सोप यूज़ करती हूँ, जो कि वो जेंटल रहते हैं स्किन के लिए, सॉफ्ट होते हैं। तो तो इसलिए हर रोज़ अपने चेहरे को रात को वॉश करके सोइए। चेहरे को वॉश करने के बाद रोज़ वाटर से टोनिंग कर सकते हैं, कॉटन पे लेके अपने चेहरे पर, अपनी नेक पे रोज़ वाटर लगाइए, और मॉइस्चराइज भी कीजिए अपने चेहरे को, क्योंकि धोने के बाद त्वचा जो है रुखी रुखी हो जाती है, तो अच्छा लोशन लेके मॉइस्चराइज कीजिए। और उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट है विटामिन सी सीरम, वो मैं ज़रूर लगाकर सोती हूँ, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है, जिससे त्वचा पर जो भी दाग धब्बे होते हैं वो दूर होते हैं, चेहरे पर ग्लो आती है और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स को भी दूर करता है वो। तो विटामिन सी सीरम मार्केट में भी अवेलेबल है, और अगर मेरा नुस्खा अपनाएं तो मैं नींबू की कुछ बूंदें गुलाब जल के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर लगाकर सोती हूँ। सुबह उठ के चेहरा वॉश कर लीजिए जेंटल सोप से,
जो भी आपको सोप सूट करता है आपकी स्किन को। और उसके बाद रोज़ वाटर लगा सकते हैं, और सुबह SPF फैक्टर वाला कोई भी लोशन आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि सुबह सूर्य की हानिकारक किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाती हैं, तो ये ज़रूरी है। तो ये थी इंटरनल और एक्सटर्नल केयर। और एक्सटर्नल केयर में फ़ेस मास्क भी ऐड कीजिए। मेरा फेवरेट फेस मास्क है दही, एलोवेरा, बेसन और गुलाब जल। इन सबको मिक्स करके मैं हफ्ते में ज़रूर एक बार अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ। आपकी स्किन को जो सूट करता है वो फेस मास्क आप लगा सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हफ्ते में ज़रूर एक फ़ेस मास्क जो है वो अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्किन केयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि सभी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मुझे सूट करता है वो आप सभी को भी सूट करे। तो किसी भी चीज़ को अपने चेहरे पर अप्लाई करने से पहले उसका एक पैच टेस्ट जरूर देख लें कि वो आपको सूट करता है या नहीं। और जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एलर्जी फुल है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी चीज़ अप्लाई करें।